जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर ही जन्नत की खुशखबरियां सुना दी थीं कि ये लोग जन्नती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? आशरा मुबशरा। आशरा मुबशरा से मुराद वो 10 लोग जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में, सारे बोलें ज़रा, जन्नत की खुशखबरियां सुना दी थी। वो कितने लोग हैं? 10 हैं जी। मोहम्मद कितने लोग हैं? वो 10 हैं। और ज़कवान बताएगा आशरा मुबशरा से क्या मुराद है? खड़े होकर ज़रा ऊंची आवाज़ से, तस्वीर आ रही बस आवाज़ नहीं आ रही। 10 तो अभी मैंने बता दी, आगे भी बताएं ना कुछ जी। आप बताएं ज़रा, वाइट कपड़े वाले भाई आप लोग टेक छोड़ दें ज़रा, आगे होके बैठें। वो साथ वाले भाई को भी सीधा करें ज़रा, वो पीछे वाले को। सुभानअल्लाह। अच्छा, कल ये 10 सहाबाए कराम के नाम आप लोगों ने याद करके आना। अब्दुर रहमान इधर, किताब किधर है आपकी? वो कई बच्चियाँ किताबें लेके नहीं आए। सुभान अल्लाह। 10 सहाबाए कराम के नाम कल याद करके आने हैं जिनको आशरा मुबशरा कहते हैं। उनमें से सबसे पहला नाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना सअद बिन अबी वक़ास, सैयदना सईद बिन ज़ैद चले जाए, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह और सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। और 9वें नंबर पे हैं सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ, अभी नहीं, अभी बैठ जाए ज़रा। और 10वें नंबर पे हैं सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह। 6 नाम उस दिन हमने पढ़े थे लेकिन जिनमें से अक्सर आपको याद नहीं है। शाबाश। तो कल 10 भी हमने याद नहीं करने, लग जाएगा पता कल। अच्छा, आगे 3-4 सवाल हम और पढ़ेंगे, छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े आसान। ऊपर देखो पायन किताब थे। आगे सवाल है सैयदुश्शुहदा। सैयद कहते हैं सरदार को। सैयद का माना क्या है? सरदार को। शुहदा शहीदों के सरदार, यानी कयामत तक जितने भी अल्लाह की राह में लोग शहीद होंगे सब के सरदार किस सहाबी को कहा जाता है? उनका नाम है सैयदना अमीर हमज़ा। क्या नाम है सैयदना? सैयदुश्शुहदा किस सहाबी का नाम है? अभी ठहर के देंगे, बैठ जाए। सैयदुश्शुहदा से मुराद क्या है? तमाम शहीदों के सरदार। ये बाजी को बुलाएं ज़रा। सैयदुश्शुहदा से क्या मुराद है बेटे? तवज्जो बिल्कुल नहीं कर रही तुम। आयशा आप बताओ सैयदुश्शुहदा से क्या मुराद है? तमाम शहीदों के सरदार। वो तीसरे नंबर पे जो बाजी बैठी हुई है कोने में, ये सैयदुश्शुहदा किस सहाबी का नाम है बेटे? आप बताओ, येलो दुपट्टे वाली, वो नाम क्या सहाबी का जी? मोहम्मद आप बताएं। शाबाश जी, आप बताएं भाई, ये अनीस भाई के बेटे, सैयदुश्शुहदा किस सहाबी का लकब है? ओ भाईजान, क्लास में बैठ के आप लोग तवज्जो नहीं कर रहे, क्या मसला है? आज ऐसे ही नहीं चले इसलिए। सबक ध्यान से पढ़ें ज़रा। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आगे दूसरा सवाल है मुरादे रसूल कौन है, यानी कौन ऐसे सहाबी हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद बनकर आए? जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआओं के अंदर मांगा, दुआ के अंदर अल्फाज थे
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं किया करते थे कि अल्लाह उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से इस्लाम को मदद अता फरमा, इज़्ज़त अता फरमा और कुव्वत अता फरमा। तो आपने चूँकि उनको दुआओं में मांगा था तो मांगने की वजह से इनको कहा जाता है कि ये अल्लाह के नबी की मुराद बनकर आए, अल्लाह के नबी की मुराद बनकर आए। तो इस सहाबी का नाम क्या है जी, आप बताएं ज़रा क्या नाम है ये? हाँ, अब्दुल्ला शबीर के साथ वाला बच्चा। हाँ जी, आप मुराद रसूल किस सहाबी का लकब है जी? आसिम आप बताएं, अहमद आप बताएं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अच्छा जी, आगे 33 पेज निकालें ज़रा, वुज़ू के आदाब वाला जी। दो ही वो याद नहीं हो रहे तो आगे क्या करना। पिए जी, पेज निकालिए। आगे हमने पढ़ा था कि क्या नमाज से पहले वुज़ू करना ज़रूरी है? जवाब था कि जी हाँ, क्योंकि वुज़ू के बग़ैर नमाज, वुज़ू के बग़ैर नमाज, उमर वुज़ू के बग़ैर नमाज कबूल नहीं होती। आगे एक सवाल है कि वुज़ू के बाद दुआ पढ़ना यानी कलमा शहादत पढ़ना, इसका क्या फ़ायदा है? ये सवाल है। फ़ायदा ये है कि जो आदमी वुज़ू के बाद दुआ पढ़ता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, उसके लिए। बेटे आप खड़े हो जाएं। अभी क्या सवाल पड़ा है? हाँ जी, तो फ़ायदा आपने बताना है, क्या फ़ायदा है? बैठ जाएं ज़रा ताकि हमें पता चले बातें करने का क्या फ़ायदा है जी। वुज़ू के बाद दुआ पढ़ने का क्या फ़ायदा है, जवाब क्या है इसका जी? बेटे आप बताएं। आप बताएं, शाबाश जी। हज़रत आप बताएं ज़रा, वुज़ू के बाद कलमा या शहादत या दुआ पढ़ने का क्या फ़ायदा है? 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। आपने बताना जन्नत के दरवाज़े कितने हैं? सिर्फ ही। अच्छा, आगे एक और सवाल है कि वुज़ू करने का फ़ायदा क्या है? वुज़ू करने का फ़ायदा क्या है? वुज़ू करने के 4 फ़ायदे हैं। कितने? 4। वुज़ू करने के कितने फ़ायदे हैं? 4। ज़ैनब, वुज़ू करने के कितने फ़ायदे हैं? 4। फ़ातिमा, वुज़ू करने के कितने फ़ायदे हैं? 4। हाँ जी, आप बताएं, वुज़ू करने के कितने फ़ायदे हैं? 4। वुज़ू करने के कितने फ़ायदे हैं? 4। वुज़ू करने के, वुज़ू करने के 4। वुज़ू करने के, हुज़ैफ़ा, वुज़ू करने के कितने फ़ायदे हैं? आप बताएं, वुज़ू करने के 4 तरीके हैं, फ़ायदे हैं। अच्छा, पहला फ़ायदा ये है कि जिस्म साफ हो जाता है वुज़ू करने से। पहला फ़ायदा क्या है? सही समझ नहीं आ रही, इस कोने से तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। क्या फ़ायदा वुज़ू का? ये एंड से भी ज़रा सही नहीं बोल रहे। वुज़ू का पहला फ़ायदा क्या है? अब ये पहले पहली सीट पे बैठ के चुप करके बैठे हुए हैं। वुज़ू का पहला फ़ायदा क्या है? बेटे आप भी कुछ बोल लिया करें। वुज़ू का पहला फ़ायदा क्या है जी? दूसरा फ़ायदा है कि वुज़ू के आज़ा यानी कि जो वुज़ू करते हुए हम अपने आज़ा धोते हैं, चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं, कोनियों समेत बाजू धोते हैं, पांव धोते हैं, सर पे मसा करते हैं, कानों पे मसा करते हैं,
तो क़यामत के दिन ये वुज़ू के अज़ा रोशन होंगे। दूसरा फ़ायदा क्या है? वुज़ू के अज़ा क़यामत के दिन रोशन होंगे। हाँ जी, वुज़ू का दूसरा फ़ायदा क्या है? आप ये सुनहरी टोपी वाला, हाँ जी मैं ही सुनहरी टोपी लई हुई है। दूसरा फ़ायदा क्या है? ओ भाई तू ही है। वुज़ू के अज़ा को क्या होता है? ठंड पड़ जाती है। पूरा बताएं शाबाश, ज़कवान तुम बताओ यार, इसको नहीं आता। वुज़ू का दूसरा फ़ायदा क्या है? ये फ़ायदा है कि हम याद नहीं करते। आप बताएं, रोशन हो जाएंगे। जी बाजी, वुज़ू का दूसरा फ़ायदा क्या है? रोशन हो जाएंगे। हाँ जी सुमैया, वुज़ू का दूसरा फ़ायदा? रुमैसा, पहला फ़ायदा क्या है उस्मान भाई? बेटे सीधे होके बैठे इधर। वुज़ू का पहला फ़ायदा बताएं ज़रा। दूसरा फ़ायदा? वाहिद आप खड़े हो जाएं, मुसब तुम भी खड़े हो जाओ, मुसब आप खड़े हो जाएं, शाबाश। वुज़ू का पहला फ़ायदा बताएं। जी हज़रत आप बताएं ज़रा, वुज़ू का पहला फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा क्या है? आप बताएं उमर भाई, इनको आता ही नहीं। वुज़ू का पहला फ़ायदा? पिए। दूसरा फ़ायदा? वो रोशन हो गए हैं। दूसरा फ़ायदा? वुज़ू के अज़ा से जिस्म साफ हो जाता है। जी तीसरा फ़ायदा है कि गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। जाओ 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 जाओ। तीसरा फ़ायदा है गुनाह माफ़ होते हैं, यानी कि जो गुनाह अगर हाथों के ज़रिए हुए हैं तो वुज़ू करने से हाथों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कानों से अगर कोई हराम चीज़ सुन ली है तो जब कानों पे मसा करते हैं तो वो कानों के गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। ज़ुबान से अगर कोई गुनाह हो गया है तो जब हम कुल्ली करते हैं तो ज़ुबान के गुनाह भी पिए। चौथा फ़ायदा ये है कि दर्जात बुलंद होते हैं। वुज़ू करने का चौथा फ़ायदा क्या है? दर्जात, यानी अभी हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, अभी हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, ये ऊपर वाली छत पहला दर्जा है, इससे ऊपर वाली छत पे चले जाएं तो वो, हम कहते हैं पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो ये जो फ्लोर या मंजिलें हम दुनिया में कहते हैं, जन्नत के अंदर उनको दर्जा कहते हैं। जन्नत के अंदर दर्जा कहते हैं, यानी कि जब इंसान वुज़ू करता है तो उसके अगर पहले 10 दर्जात थे तो अब 15 दर्जात हो गए। उसकी जो बिल्डिंग है, कोठी है, बंगला अल्लाह ने जन्नत में बनाया, उसकी 5 मंजिलें और बढ़ा दी जाती हैं। फिर जब और वुज़ू करता है दूसरी नमाज के लिए, फिर उनके अंदर और बुलंदी हो जाती है। तो इस तरह करके जन्नत के अंदर दर्जात बुलंद होते रहते हैं। समझ आ गई है? चार फायदे याद तो हमने नहीं करने बिल्कुल भी, और नहीं रहन तो की फायदा आएगा। अच्छा, आगे नमाज के बारे में निकालें ज़रा। सना, तावुज़ और तस्मिया, पेज है 36। वो सारा जान पानी पीने लगा जाता, जल्दी आओ। तावुज़ और तस्मिया के बाद है सूरतुल फातिहा। तस्मिया के बाद क्या है? सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेके वलज़्ज़ालीन तक सारी सूरत को क्या कहते हैं? सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वलज़्ज़ालीन आमीन कहने तक सारी सूरत को क्या कहते हैं? फातिहा। नमाज के अंदर ये फातिहा भी हर बंदे ने पढ़नी है, ठीक है? आप चाहे फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तब भी, सुनते पढ़ रहे हैं तब भी, वितर पढ़ रहे हैं तब भी, नमाज पढ़ा रहे हैं तब भी, नमाज पढ़ रहे हैं तब भी, सूरह फातिहा आपने लाजमी पढ़नी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा नमाज में फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज कबूल नहीं होती। तो कल ये फातिहा याद करके आनी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।